तो फाइनली सैमसंग S20 5G के लिए आज 22 अगस्त 2023 को सैमसंग ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट्स किया गया है, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, और साथ ही बात करेंगे कि एंड्रॉयड 14 का अपडेट सैमसंग S20 5G में मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक देखने को मिलेगा, और टेस्टिंग स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 227.44 MB का अपडेट है। अगस्त 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, और इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है, और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है इस अपडेट के अंदर, और कुछ स्टॉक एप्लीकेशंस को भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है जिसमें सैमसंग ने लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया है अगस्त का। इसके अलावा कुछ माइनर बग्स को फिक्स किया है। तो अगर आप सैमसंग का S20 5G डिवाइस यूज करते हैं तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। अब बात करते हैं कि क्या इसमें एंड्रॉयड 14 का अपडेट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में सैमसंग S20 मार्च 2021 में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 11 और One UI 3.1 के साथ, और सैमसंग का अपडेट पॉलिसी है कि सैमसंग अपने इस सीरीज के डिवाइस में पहले 3 मेजर OS अपडेट देता था। तो सैमसंग S20 5G में एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिला, एंड्रॉयड 13 का अपडेट मिला, और एंड्रॉयड 14 का भी अपडेट मिलना है। और देखिए, ऐसा सैमसंग की तरफ से बताया भी गया है कि S20 5G में हमें कैमरा असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा One UI 6.0 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सैमसंग S20 5G में अपडेट मिलेगा दोस्तों। हालांकि अभी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में सैमसंग टेस्टिंग स्टार्ट कर दे। तो और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।